प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में 30,000 फर्जी रसोइयों का पता चला है। दरअसल सरकार के रसोइयों की सैलरी सीधे बैंक खातों में डालने के फैसले के बाद ये खुलासा हुआ, जिसमें 30,000 रसोइये फर्जी निकले और उनके नाम पर अब तक सैलरी दी जा रही थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सीधे बैंक खातों में सैलरी देने का फैसला सही साबित हुआ और फर्जीवाड़े पर रोक लगी। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में महिलाओं की चोटियां काटे जाने की घटनाओं के बाद गुना में भी ऐसी ही घटना हुई है। हालांकि गुना में चुटिया नहीं बल्कि एक लड़के के बाल काट दिए गए हैं। गुना के कैंट इलाके के रहने वाले सुनील के रात 12 बजे बाल काट दिए गए, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। सुनील का अस्पताल में इलाज जारी है। शिवपुरी सेसई खुर्द गांव में 75 वर्षीय महिला रुक्को बाई जाटव की चोटी सोते वक्त काट दी गई। रुक्को बाई का कहना है, दो महिलाएं आईं और उन्होंने चोटी काट दी। रुक्को बाई के बेटे ने दोनों महिलाओं को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो फरार हो गई। शिवपुरी में 5 दिनों में 4 जगह चोटी काटने का मामला सामने आया है। देश भर के अलग अलग राज्यों में महिलाओं की चोटी काटने की घटनाओं के सामने आने के बाद भोपाल से भी पहला सनसनीखेज मामला सामने आया है। 17 साल की युवती माया खरे की रात 2 बजे अज्ञात युवक ने चोटी काट दी। इस वारदात के बाद युवती बेहोश हो गई। घटना के बाद अंधविश्वास में लोग झाड़ फूंक का उपाय कर रहे हैं। छतरपुर के नौगांव से पुलिस ने एक यात्री बस से 3 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया। मावा उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर से छतरपुर लाया जा रहा था। पकड़े गए मिलावटी मावे की कीमत 45,000 बताई गई है। शुक्रवार देर रात भी छतरपुर जिला प्रशासन ने 4,000 किलो मिलावटी मावा जब्त किया था। मिलावटी मावा किसने मंगवाया, इसकी जांच की जा रही है। जबलपुर से कटनी के लिए आ रही ट्रेन में शराब के नशे में धुत टीसी ने 2 महिलाओं से बदतमीजी की और गाली गलौज किया। महिलाओं की गलती सिर्फ इतनी थी कि एक टिकट उन्होंने जबलपुर स्टेशन में गलत कटा ली थी और उसका जुर्माना भी उन्होंने दूसरे टीसी को दे दिया था। इसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद टीसी ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनके भाई के साथ मारपीट भी की। महिलाओं की शिकायत पर टीसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर में कार हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। ये परिवार नागपुर जाने के लिए जबलपुर से कार में निकला था कि पाटन के पास रोड किनारे मील के पत्थर से टक्कर के बाद कार नहर में जा गिरी। हादसे के बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को लोगों ने बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। पन्ना जिले में अवैध रूप से खनन कर ले जा रहे 6 ट्रकों को पकड़ा गया। ये कार्रवाई SDOP आलोक शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें 6 ट्रक अवैध रूप से रेत ले जाते हुए पकड़े गए। रेत को उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है, जिस वजह से कार्रवाई करने में परेशानी आती है। झुंझुनू में सिंघाना बाईपास के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 1 महीने पहले की गई लाखों की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चोरी के आरोप में ही आरोपी साजिद मेव नाम के आरोपी को रिमांड पर लिया गया था, जिसकी निशानदेही पर सामान की बरामदगी हुई। चोरी का मास्टरमाइंड तारीफ मेव नाम का दूसरा शख्स फिलहाल फरार है। बम की धमकी के बाद रविवार को जयपुर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की जोधपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट दिल्ली से जोधपुर होते हुए जयपुर जानी थी। फ्लाइट में नेवी के एक अफसर ने क्रू से कहा कि उसने फ्लाइट में बम प्लांट किया है। सूचना के बाद प्लेन की जोधपुर में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम न मिलने पर पता चला कि नेवल अफसर ने जोधपुर में उतरने के लिए बम की अफवाह फैलाई थी। अफसर के पास जयपुर का टिकट था। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए अफसर को हिरासत में ले लिया है।